नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश। वेलकम टू प्लांट केयर कीवर। तो आज मैं एक ब्लॉग वीडियो लेकर आया हूं और इसमें मैं काफ़ी कुछ कवर करने वाला हूं। तो ये सीड मैंने विन सीड से लिया था कुछ महीनों पहले। तो आज मैं इसके कुछ सीड्स को ग्रो करने वाला हूं। तो समर के फ्लावरिंग प्लांट के सीड हैं, एक दो विंटर के हैं। तो जो भी अभी ग्रो करने का जिनका टाइम है उन्हें ही मैं ग्रो करूँगा। तो पहला जो आप इस टाइम ग्रो कर सकते हैं वो है ये मॉर्निंग ग्लोरी। दूसरा ये ब्रिंजल यानी बैगन के सीड भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा ये कॉस्मोस के भी सीड आप इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। ये कैलेंडुला के कुछ दिनों बाद ग्रो करूँगा। कोरियसिस के भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा ये जीनिया, कोचिया और ये इन्हें मैं बाद में ग्रो करूँगा, कॉस्कॉम। तो चलिए इतने सीड मैं आज ग्रो करूँगा और वेल ड्रेन सॉइल इसके लिए मैं यूज़ करूँगा। और इस टाइम बारिश भी हो रही है तो आसानी से ग्रो हो जाएंगे। मॉर्निंग ग्लोरी के मेरे पास कुछ एक कलर था लास्ट ईयर और उसे मैं ग्रो नहीं करता हूँ। वो हर साल उसके सीड गिरते हैं तो खुद ब खुद ग्रो हो जाता है। तो एक ही गमले में काफ़ी सारे सीड ग्रो कर रहा हूँ और बाद में इन्हें मैं बड़े कंटेनर में ट्रांसप्लांट करूँगा। अभी तो फ़िलहाल ये 6 इंच के कंटेनर में लगा हुआ है और इससे मैं कुछ DIYs आपके साथ शेयर करूँगा। और हाँ, आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं या नहीं ज़रूर देखिएगा। काफ़ी अच्छे वीडियो मैं शॉर्ट्स में बनाता हूँ, आपको ज़रूर पसंद आएगा अगर आपने अभी तक मेरे शॉर्ट्स वीडियो ना देखे हो तो। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मॉर्निंग ग्लोरी हर साल कैसे ग्रो हो जाते हैं। तो देख सकते हैं ये एलिमेंडा 80 रुपीज़ में लगभग एक मंथ पहले परचेज़ किया था। बहुत ही मतलब फास्ट ग्रोथ इसकी हुई है। तो ये है मॉर्निंग ग्लोरी के प्लांट्स। ये इस गमले में खुद ब खुद जो है वो ग्रो हो गए हैं क्योंकि इसके सीड मिट्टी में ही जो है वो मिल जाते हैं, फूट जाते हैं इसके सीड्स। इसके अलावा ये साइप्रस वाइन के भी हर एक गमले में इसी तरह से निकले हुए हैं। ये कोचिया के भी निकल रहे हैं क्योंकि इनका निकल मतलब बेस्ट टाइम जब होता है इनका ग्रो होने का तो ये खुद ब खुद ग्रो हो जाते हैं। तो सीड्स को ग्रो करने के लिए मैं वेल ड्रेन सॉइल यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मैंने गार्डन सॉइल, कोकोपीट, थोड़ी सी कंपोस्ट और थोड़ी सी सैंड का मिक्स करके मैंने वेल ड्रेन सॉइल बनाया है और उसमें मैं ग्रो कर रहा हूँ। सभी सीड का रिज़ल्ट मैं कुछ दिनों बाद आपके साथ शेयर करूँगा। और ये ब्रिंजल यानी बैगन के हैं और ये मैंने इससे पहले भी ग्रो किया था, ग्रो हो गए थे लेकिन धूप इतनी ज़्यादा उस टाइम हो रही थी कि वो सर्वाइव नहीं कर पाए। तो अगर आपसे समर में कोई भी फ्लावरिंग प्लांट, समर फ्लावरिंग प्लांट के सीड ना ग्रो हो पाए हों तो आप इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। और इसके भी मैं एक ही गमले में काफ़ी सारे ग्रो कर रहा हूँ। काफ़ी सारे टब जो मैंने परचेज़ किए थे इतनी गर्मी में वो भी सब खाली पड़े हुए थे तो उन्हीं में बाद में मैं इन्हें ट्रांसप्लांट कर दूँगा। इसके अलावा ये कोरियसिस पहली बार मैंने इसके सीड परचेज़ किए हैं क्योंकि इसके पौधे हमारे लोकल एरिया में मिल भी नहीं रहे थे। तो सीड मैंने सोचा कि परचेज़ कर लेता हूँ और इसे अपने गार्डन में ऐड करता हूँ। तो अगर आप इस तरह के सीड परचेज़ करना चाहें तो विन सीड से आप परचेज़ कर सकते हैं। वैसे इस पर मैंने इनका जब रिव्यू वीडियो था तब भी आपके साथ शेयर किया था, शॉर्ट्स में भी और फुल वीडियो भी। तो इसके भी मैंने काफ़ी सारे सीड ग्रो किया। सीड ग्रो करने के लिए आप सीडलिंग ट्रे भी ला सकते हैं। मैं तो इसी तरह के जो 6 इंच के कंटेनर होते हैं उन्हीं में ग्रो कर लेता हूँ। इसके अलावा ये कॉस्मोस 3-4 कलर में मिक्स हैं और कॉस्मोस अच्छा प्लांट भी होता है, नर्सरी में 20 रुपीज़ तक मिल भी जाता है और इससे भी एक बार ही अपने गार्डन में ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। और इसके भी फ्लावरिंग ख़त्म होने के बाद काफ़ी सारे सीड मिलते हैं जिसे ग्रो करके हम एक से काफ़ी सारे प्लांट बना सकते हैं। और इसे आप अगर समर में ग्रो करते हैं तो ये समर में फ्लावरिंग करता है, विंटर में ग्रो करते हैं तो विंटर में फ्लावरिंग करता है। साल भर इस प्लांट पर जो है वो ब्लूमिंग होती रहती है तो फटाफट आप इसे ला सकते हैं। तो जितने भी सीड्स हैं सभी को मैंने ग्रो कर लिया है। अब 5 to 10 days बाद में आपके साथ इन सभी का रिज़ल्ट जो है वो शेयर करूँगा। इसके अलावा ये पर्सलिन, ये मेरे कैक्टस के प्लांट है। दरअसल कैक्टस में जो रेनी सीज़न होता है ओवर वाटरिंग की वजह से गल जाते हैं, इसी से बचने के लिए मैंने ये
पर्सलिन और पोर्चुलाका के कटिंग इनमें ग्रो किया हुआ था, और रेनी सीजन में मैं इन्हें नीचे करके रख देता हूँ, इस तरह से टेढ़ा कर देता हूँ ताकि ज़्यादा पानी इस पर जो है वो ना रुके। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। और पर्सलिन सभी बड़े बड़े कंटेनर्स में मैं इनकी कुछ कटिंग लगा देता हूँ, इससे पानी जो है वो जल्दी मिट्टी का जो है वो सूख जाता है। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। और पर्सलिन और ढेर सारी ब्लूमिंग भी रेनी सीज़न पर इस पर होती है, तो फ्लावर्स भी मिल जाते हैं। और जैसे ही रेनी सीज़न हटा, इन्हें हटाकर कंपोस्ट बिन में डालकर कंपोस्ट बना लेता हूँ। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। और पर्सलिन तो बहुत सस्ते में मिल भी जाता है, 10-20 रुपए में मिल जाते हैं। और देसी वैरायटी का परचेज़ करेंगे तो हमेशा आपके गार्डन में भी बना रहेगा। मेरे पास वैसे काफ़ी सारे हैं, लेकिन इस टाइम बहुत कम ब्लूमिंग हो रही है और इस साल मैंने बहुत कम ग्रो भी किया हुआ है, तो सोचा हूँ कि आज मैं इन्हें ग्रो ही कर लूँ। क्योंकि हर साल मैं एक इसके लिए अलग से कॉर्नर बनाता था, अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हों तो आपको याद होगा वो कॉर्नर। इस बार मैंने मैंने आपके साथ नहीं शेयर किया है, इसका मतलब वो कॉर्नर मैंने बनाया ही नहीं है। उस पर लगभग 30-40 कंटेनर में रखता था, जब वो कॉर्नर ही नहीं है तो इस साल मैंने इसके ग्रो भी नहीं किए हुए थे। तो अब मेरे पास काफ़ी सारे खाली कंटेनर पड़े हुए हैं और मेरे पेपर भी ख़त्म हो गए, तो मैंने सोचा कि चलिए उसमें मैं इसकी काफ़ी सारी कटिंग्स को जो है वो ग्रो कर लेता हूँ। तो देख सकते इतने सारे कंटेनर खाली पड़े हुए थे, लगभग 2 मंथ से खाली ही पड़े हुए थे, और गर्मियाँ भी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि कुछ भी ग्रो करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो अब मौसम बहुत ही अच्छा है, तो सभी में मैं ये पर्सलिन और पोर्चुलाका ग्रो कर लूँगा। लगभग 2-3 दिन में ये ग्रो भी हो जाएंगे और ब्लूमिंग भी करने लगेंगे। जितनी भी कलियाँ इस पर होगी कुछ भी नहीं गिरता है, ना पत्ते गिरते हैं, ना पत्ते ख़राब होते हैं, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। तो आपको भी ये प्लांट कहीं पर देखने को मिले तो फटाफट ले आइएगा, कटिंग ही ले आइएगा, ये नर्सरी से ही परचेज़ कर लीजिएगा, काफ़ी सस्ते में भी ये मिल जाते हैं। तो आप इन्हें बेफिक्र होकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और हमेशा के लिए रख सकते हैं। जब रेनी सीज़न आता है, जब विंटर सीज़न आता है, तो सभी को मैं हटा देता हूँ, कुछ कंटेनर लगभग 3-4 कंटेनर रख लेता हूँ, और समर में फरवरी मार्च मंथ में उसी की ढेर सारी कटिंग लगाकर फिर से काफ़ी सारे प्लांट जो है वो बना लेता हूँ। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग वीडियो, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। तो काफ़ी सारे मैंने आज इसकी कटिंग लगाया है, रिज़ल्ट कुछ